Hey you guys, welcome or welcome back to my channel. I am Ayushi and you're watching Anshi Creates. मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो रक्षाबंधन इज राइट नेक्स्ट टू द कॉर्नर, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक DIY राखीज एंड शेयर विद यू गाइस. फॉर दिस यू नीड कूलिंग पेपर, सीजर्स एंड ग्लू. तो ये जो पहली वाली फ्लावर वाली राखी थी, आपने जिसकी इमेज अभी देखी होगी, मैंने इसकी इमेज यहाँ पे लगा दी थी. तो इसके लिए पहले हम लोग एक पेपर स्ट्रिप में से 6 to 7 सेंटीमीटर का काट लेंगे पेपर. और हम लोग, मैंने यहाँ पे वाइट और पिंक लिया है. आप कोई भी कलर अपनी चॉइस का ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन वाइट पिंक और ब्लू रखा था. बेसिकली हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पेपर स्ट्रिप्स काट लेनी है. मैंने पिंक और वाइट लिया. तो पहले हम लोग वाइट पेपर स्ट्रिप को 2 to 3 टाइम्स रोल कर लेंगे एंड देन उसके साथ ही हम लोग पिंक वाले को ऐड करके रोल कर लेंगे. तो इससे क्या होगा ना, एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा. हम लोग के बॉर्डर बाहर से पिंक ही कलर के रहेंगे बट ऊपर से ना उसमें एक पैटर्न क्रिएट होगा पिंक और वाइट कलर का. ये देखिए ऐसे. और इसी टाइप के हम लोग को 10 to 12 रोल्स बना लेंगे एंड इसको फ्लावर जैसा लुक देने के लिए हम लोग उसमें, मैंने पर्पल और वाइट कलर की दो स्ट्रिप, दो पर्पल और दो वाइट कलर की देखिए रोल करके ऐसे बनाए. इस बड़े वाले सर्किल को भी क्रिएट करने के लिए ना मैंने वैसे ही रोल किया था जैसे हम लोगों ने छोटे छोटे पिंक कलर के रोल्स बनाए. तभी जो छोटे वाले हम लोग के कोलिंग रोल्स हैं ना, इनको जो सारे हैं हम लोग ब्लू वाले के अराउंड स्टिक कर देंगे. ये देखिए मैं पिंक और एक एक करके स्टिक कर रही हूँ. मैं रिकॉर्ड की ना भूल रही थी, पर ऐसे ही मैंने 5 सेंटीमीटर की ग्रीन कलर की पेपर स्ट्रिप लेकर के उसको पेस्ट कर दिया था इस फ्लावर की. देखिए कितना प्यारा लग रहा है. इसके अराउंड मैंने पेस्ट कर दिया तो एकदम लीफ जैसा लग रहा था. तो अब हम लोग एक रेशम का धागा लेंगे. ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा लोकल मार्केट में. इसको हम लोग पेपर के थ्रू स्टिक करेंगे ताकि वो थोड़ा टाइट हो जाए और निकले ना. ये देखिए अपनी राखी बनके तैयार है. कितनी प्यारी लग रही है ना. आप कमेंट करके बताइएगा जरूर आपकी फेवरेट कौन सी है. ये देखिए सब फोटो में आप देख सकते हैं मैंने लीफ जैसा इसमें लुक दिया था. अब नेक्स्ट राखी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है भाई वाली राखी. तो इसमें काफ़ी टाइम लगा था वैसे, बट द रिजल्ट्स वर ऑसम. तो इसमें मैंने आई गेस 9 to 12 पेपर स्ट्रिप्स ली थी, उनको ऐसे रोल कर लिया था. पहले हम लोग सारे कूलिंग पेपर जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनको रोल कर लेंगे. ऐसे एक एक स्टिक करके हम लोग ऐसे रोल करते आएंगे एंड काफ़ी टाइट रखना है. तो मैं हर पेपर स्ट्रिप को पेस्ट कर दे रही थी, हर पेपर स्ट्रिप के एंड को रोल में पेस्ट कर दी ताकि वो खुले ना एंड वो टाइट रहे. देखिए मैं सबके एंड को ऐसे पेस्ट कर दे रही थी एंड देन उसमें दूसरी पेपर स्ट्रिप ऐड करके मैं आगे रोल कर दे रही थी. देखिए कुछ ऐसा लग रहा था बट अभी पूरा नहीं हुआ है. इसमें मुझे और पेपर स्ट्रिप्स लगी थी, थोड़ा टाइम टेकिंग था बट इट वॉज वेरी नाइस. ये काफ़ी प्यारा लग रहा था द वे इट टर्नड आउट. ये देखिए मैंने इसमें बॉर्डर के लिए व्हाइट कलर की पेपर स्ट्रिप यूज की थी. ये देखिए अभी तो इसको मैंने सर्कुलर रखा था पर बाद में मैंने इसको ऐसे प्रेस करके साइड से ओवल शेप दे दिया था तो ये और भी प्यारा लग रहा था. ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा था ये बनने के बाद. मैंने ऐसी एक रेक्टेंगुलर शेप में ब्राउन एंड क्रीम कलर का यूज़ करके ये देखिए ऐसा बनाया था. तो हम लोग के पास रेडी हो गया. अब जब ये सूख जाएंगे तो हम लोग इसके ऊपर ये पतली नेब का परमानेंट मार्कर यूज़ करके इसके ऊपर भाई लिख देंगे. मैंने अपनी सिस्टर से लिखवाया था बिकॉज माई राइटिंग इज नॉट दैट गुड. लिखने के बाद कुछ ऐसा लगेगा. अब इसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने ऐसे छोटे छोटे कूलिंग जैसे हम लोगों ने पिंक वाली पहली राखी में बनाए थे ना, वैसे ही हम लोग छोटे छोटे कूलिंग करके साइड में दोनों तरफ पेस्ट कर देंगे. मैंने 6 ऐसे छोटे छोटे रोल्स बना लिए थे. अब मैं दिखाती हूँ ऐसे हम लोग, मैंने इसको इसके साइड्स में पेस्ट कर लिया था तो ये काफ़ी राखी जैसा लुक दे रहा था और अच्छा भी लग रहा था. इसको फेविकॉल से मैंने स्टिक कर लिया. सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था. फिर मैंने
रेशम का धागा लिया और पेपर, ये देखिए रेशम का धागा लिया और पेपर के यूज करके मैंने इसको चिपका लिया था, ये देखिए। फिर ये दोनों जब बन गई थी तो ऐसी लग रही थी। नेक्स्ट राखी ये वाली है। ये ली राखी मैंने पहले एक फ्लावर बनाया, उसके अराउंड मैंने बॉर्डर रखा, ये देखिए ब्लू कलर का। एंड देन उसके जैसे हम लोगों ने भाई वाली राखी में साइड में तीन तीन लगाए थे ना, वैसे ही मैंने इसमें लगा दिए। और फिर इसको अपग्रेड करने के लिए, थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैंने ग्लिटर स्टोन्स आते उसका यूज करके मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। फिर रेशम के धागे पे इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करिएगा आपकी फेवरेट राखी कौन सी थी।